सब्जी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मक्खन, 1 से 2 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला, इसे थोड़ा सौते करेंगे। अराउंड 250 ग्राम्स गोभी, आलू और मटर डाला है, इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लगभग इसमें 1 इंच तक पानी डाला है, पानी डालकर इसे 4 से 5 सीटी तक पका लेंगे। जैसे कुकर का सीटी रिलीज हो जाए, सब्जियों को अच्छी तरह से मैश करेंगे। अब एक कढ़ाई लीजिएगा, थोड़ा सा तेल डालकर 1 छोटा चम्मच जीरा और 3 मीडियम साइज का ऑनियन डालेंगे। थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और कच्ची महक खत्म होने तक इसे सौते करेंगे। इसी में 3 मीडियम साइज शिमला मिर्च डालेंगे। मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक लिड बंद करके पकाया है लो फ्लेम पे। अभी इसमें 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लें। स्वाद अनुसार नमक डालें। इसे भी मैंने 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाया है। इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर और करीबन 1 से 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसे मध्यम आंच पर अच्छी तरह से मिला लीजिए और सौते कर लें। इसमें करीबन मैंने 1/2 बीटरूट ग्रेट करके डाला है, इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। दो से तीन बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला डालें और इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक भूनिएगा और फिर 1 बड़ा चम्मच मक्खन डालें। और थोड़ा सा कसूरी मेथी डालें, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो मैश की हुई सब्जियां थी वो डालेंगे। इसमें लगभग 1 स्पून लेमन जूस डालेंगे और थोड़ा गर्म पानी डालिए, इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और बारीक कटा हुआ ताज़ा धनिया डालें और गैस बंद कर दें। भाजी तैयार है। पाव तैयार करने के लिए एक पैन में मध्यम आंच पर मक्खन लगा लें, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डालें। पाव को स्लिट करें और दोनों तरफ से टोस्ट कर लें बटर लगाकर।